subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So students, जल्दी से ये क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये क्या दिया है, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज 3, एंगल बिटवीन ए बी एंड सी इज 60 डिग्री. ठीक है, ए बी सी के बीच में जो म्यूचुअल एंगल है एंड दैट इज 60, एंड एंगल बिटवीन ए सी एंड ए क्रॉस सी एंड बी इज 120, देन फाइंड बॉक्स ऑफ ए बी सी. ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे ना क्या गलती करते हैं, क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि उन्हें अब जब तक जैसे मैंने पढ़ाया उस हिसाब से उन्हें यही लगता है कि ये हमेशा ए डॉट बी क्रॉस सी के ही इक्वल होता है. तो इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बी एंड सी के बीच का एंगल एंड बी क्रॉस सी का ए के साथ एंगल. लेकिन यहां पे तो ए क्रॉस सी का बी के साथ एंगल दिया है, तो एज यू नो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए. ऑलराइट, मेरी मर्जी है. तो इन्होंने बस एंगल एक क्रॉस प्रोडक्ट एंड एक जो वेक्टर है उनके बीच का अगर एंगल मिल गया ना, तो मेरी मर्जी है, इन तीनों में से जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो यूज कर सकता हूं मैं. बस साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखें, अदरवाइज बॉक्स ऑफ एबीसी इन तीनों के इक्वल होता है. तो ऐसा नहीं है जो वहां पे मैंने तुम्हें पढ़ाया है जैसे कि जो बीटा होता है वो एंगल बिटवीन दिस, क्योंकि मैंने उस हिसाब से फॉर्मूला बनाया था. ठीक है, तो अगर ये डिपेंड करती है ना चीज, ये चीज डिपेंड करती है. जैसे मैंने कहा था बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा. तो ये डिपेंड करता है अल्फा पे. अल्फा अगर आप बोलते हैं कि बी और सी के बीच का एंगल है, तो बीटा आपको बोलना पड़ेगा बी क्रॉस सी एंड ए के बीच का एंगल है. अगर आप बोलते हैं कि अल्फा जो है वो ए या सी और ए के बीच का एंगल है, ठीक है, सी और ए के बीच का एंगल है अल्फा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि जो बीटा है वो सी क्रॉस ए एंड बी के बीच का एंगल है. तो अकॉर्डिंगली इसका मतलब उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला ओपन कर रहे होंगे, ये सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए और बी के बीच का एंगल बीटा होगा. तो भाई बॉक्स ऑफ एबीसी इन तीनों के इक्वल होता है, इस बात को ध्यान में रखें. तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. इसने ए क्रॉस सी और बी को रिलेट किया है, इसका मतलब ए क्रॉस सी और बी को रिलेट करने वाला ये वाला फॉर्मूला. तो मैंने कहा ये किसके इक्वल होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू इनटू मॉड्यूलस ऑफ सी इनटू मॉड्यूलस ऑफ ए एंड साइन अल्फा कॉस बीटा. अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, और बीटा क्या है, एंगल बिटवीन कहां से आया, यहां से आया, ठीक है, एंगल बिटवीन क्या, सी क्रॉस ए एंड वेक्टर बी, सी क्रॉस ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है. ठीक, अब ध्यान से देखो इसने क्या दिया है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस सी एंड बी इज 120. तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं वेक्टर बी ये है वेक्टर ए ये है, ये कोई और, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको, चलो यही ले लेते हैं. चलो देखो ये है, मान लो ये ए क्रॉस सी, एक बी और ए क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना है 120, चलो उसके जैसा देखने वाला बना लेते हैं, जैसा ऐसे ही दिखे, ये बी है और ये एंगल बेटा दिया है 120, ठीक है. तो एंगल बिटवीन ये किस एंगल कौन सा है, सी क्रॉस ए एंड बी के बीच में, ए क्रॉस सी एंड बी नहीं, सी क्रॉस ए, दोनों में डिफरेंस है. तो ये ए क्रॉस सी के साथ 120 दिया है, तो सी क्रॉस ए मतलब अनलाइक वेक्टर, माइनस लग जाता है ना, तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा सी क्रॉस ए. तो सी क्रॉस ए के साथ बी का कितना एंगल होगा बेटा, 60, ये ध्यान रखेंगे. ए क्रॉस सी के साथ 120 है, तो सी क्रॉस ए के साथ कितना हो जाएगा, 60. ओके, तो आपको पता चल गया मॉड्यूलस ऑफ बी कितना है, 2 और ये 3 और ये 1 एंड बेटा साइन 60 एंड कॉस अगेन 60, साइन 60 कॉस 60. तो या तो अलग अलग वैल्यू रख लो, या देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो साइन 120. साइन 120 क्या होता है,
जो साइन 60 होता है, कितना होता है रूट 3/2। तो बेटा आंसर आ गया 3√3/2, ये आंसर हो गया। ये आ गया बॉक्स ऑफ एबीसी, स्केलर प्रोडक्ट ही तो है, स्केलर क्वांटिटी आती है, 3√3/2 आ गया आंसर। ऑल राइट, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसे उतार लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 5/6, देन प्रूव दैट दिस। तो वो ध्यान से, ये क्या दिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या है, इस चीज को अब ऐसे मत लेना कि ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। अरे अगर दोनों अलग अलग जीरो हैं तो इक्वल तो बोल ही जाएंगे ना, लेकिन मेन चीज क्या है, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो इसे इक्वल लेके कोई फायदा नहीं, इसे इक्वल लेके कोई फायदा नहीं। आपको इसे ऐसे करना चाहिए, भाई ए डॉट बी जीरो है, दैट मीन्स ए बी सी आर यूनिट वैक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कोई भी वैक्टर जीरो वैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वैक्टर ए होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली हमें दिया है ए डॉट सी भी जीरो, तो यहां से भी पता चलता है जो ए होगा वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो जो ए है ना वो बी एंड सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मान लेते हैं एक वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। अच्छा इसमें ना एक चीज और देनी चाहिए वैसे, एक मिनट, हाँ दे दिया उसने, वो उसने दे दिया कि जो बी एंड सी के बीच में एंगल है वो 5/6 है। मतलब क्या देना चाहिए था, मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि दोनों पैरेलल नहीं है। ए अगर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, इट डज नॉट मीन कि बी एंड सी आर पैरेलल। ठीक है, बी एंड सी पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए मेंशन कर दिया उसने बी और सी के बीच में एंगल 5/6 है। तो अब ए क्या होगा, ए दोनों के परपेंडिकुलर होना है, तो कहां होगा, आउटसाइड ये जो मार्कर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर होने के लिए उसे बाहर आना पड़ेगा इधर। इनमें से किसी एक के परपेंडिकुलर तो अंदर भी हो सकता था, मान लो सी के परपेंडिकुलर है तो ये रहा, ठीक है, लेकिन दोनों के होना है, तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर होना है तो उसे बाहर, इस प्लेन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है, और वो होगा ये वाला डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में या अंदर कहीं पे भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो B होगा ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, A की डायरेक्शन, सॉरी A की डायरेक्शन होगी B क्रॉस C, होगी कि नहीं, B क्रॉस C, यस। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना है, तो दिया है ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है B क्रॉस C का, तो मैंने निकाल लिया, ये अलग से निकाल लिया, B क्रॉस C इज मॉड्यूलस ऑफ B मॉड्यूलस ऑफ C एंड बेटा साइन 60। एंगल कितना है B और C के बीच में, साइन 30 सॉरी, तो ये 1/1, ये 1/2 आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1/2, और A का मैग्नीट्यूड होना कितना चाहिए 2, तो मैंने कहा 2, और ये प्लस माइनस का क्या मतलब है कि डायरेक्शन B क्रॉस C अगर जैसा मैंने बनाया है इस हिसाब से B क्रॉस C किधर होगा, अंदर, सही है, लेकिन बाहर भी तो हो सकता है ना, तो माइनस ऑफ B क्रॉस C भी इसकी A की डायरेक्शन हो सकती है, तो मैंने कहा प्लस माइनस B क्रॉस C, और मैग्नीट्यूड मैंने इसका कितना बना दिया 1, ये 2 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में कितना है 1, क्योंकि B क्रॉस C का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी 1/2 है। ओके बच्चों, तो बेटा ये एक यूनिट वेक्टर आया A जो कि इसके इक्वल है, तो ध्यान रखें अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स के, एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डायरेक्शन होती है, और मैग्नीट्यूड को आप अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया है, अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से, क्या है देखो, पहले ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू दिस, होगा कि नहीं, ए डॉट दिस इंटू दिस क्रॉस दिस लिखा है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे सजा दिए इनको, अब इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए, फिर भी याद दिला देते हैं,
देखो डिटरमिनेंट लेते हैं या नहीं, पहले में क्या आएगा 100, ध्यान से देखो एबीसी का यूज किया गया है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है उसमें ए है और बी और सी का कोएफिशिएंट जीरो है तो 100 डिटरमिनेंट में, यहाँ पे ए का जीरो है बी और सी का 11 है, यहाँ पे 111 एंड इट इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एबीसी होता है, मतलब इन टू बॉक्स ऑफ एबीसी, डिटरमिनेंट इन टू दैट बॉक्स ऑफ एबीसी, ये चीज इसके इक्वल होती है। ठीक है, एक बार दोबारा से मेंशन कर रहा हूं कि ए बी सी जो होने चाहिए वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा मत करना कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी क्रॉस सी तब भी ऐसे ही लगा रहे हो, ऐसा नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तब तक ये बात सही है। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, 1 आएगा तो आंसर आ गया बॉक्स ऑफ एबीसी, तो ये जो इक्वल है ये बॉक्स ऑफ एबीसी के इक्वल है, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्या है, देखो ए डॉट ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन प्रूव दैट दिस, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लेते हैं, चलो ये किसके इक्वल होगा, बॉक्स ऑफ एबीसी के होगा, नीचे सी ए बी, मतलब ये ध्यान दो कि साइक्लिक ऑर्डर में है कि नहीं, तो ए बी सी बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर है, सी ए बी ये भी साइक्लिक ऑर्डर है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी सी, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाओ, ये क्या है, बी ए सी, बी ए सी साइक्लिक ऑर्डर है क्या, नहीं, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर अगर फॉलो नहीं हो रहा तो माइनस लगा के ए बी सी बोल सकते हो आप। ओके, नीचे वाले में सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं, यस बिल्कुल, तो लिख सकते हो ए बी सी। तो देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ऑल राइट, एंड दिस विल बी 0, तो आंसर 0 आ गया, मतलब प्रूव हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट ए बी और ये, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट क्वेश्चन इसमें ये है, देखना ध्यान से देखना, अभी कुछ लोग तो इसे ऐसे ही लिखेंगे कि भाई ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, और कुछ महाशय तो ऐसे होंगे कि अच्छा ये बी ये भी बी, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, ऐसी गलती गलती से भी ना कर देना। ठीक है, ओके, तुम सोचो कि बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ है जो कि बी है, इसमें भी तो 0 हो जाए, डॉट में होता है वो, डॉट में भी नहीं होता, मतलब वो तब होता अगर यहां पे डॉट होती, यहां पे ए डॉट बी क्रॉस, मतलब बी डॉट ए क्रॉस बी अगर दिया होता तो हाँ 0 हो जाता, क्योंकि उसे अगर आप बॉक्स के फॉर्म में लिखते तो आपको लिखना पड़ता कैसे, बॉक्स ऑफ बी ए बी, दो एलिमेंट सेम, आंसर 0, और उसका रीजन भी बताया है कि डायरेक्शन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ए क्रॉस बी की अगर बात करूं तो वो परपेंडिकुलर टू ए बी आएगा, मान लो ए इधर है बी इधर है तो ए क्रॉस बी बाहर आएगा। ऑल राइट, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बहुत होगा, अब बी के साथ जब उसका क्रॉस होगा तो ए क्रॉस बी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है तो साइन 90 तो बेटा 1 होता है, 0 नहीं होता, तो कभी इसे 0 बोल दो, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा गलती से भी मत बोले। तो एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या कहीं ए के परपेंडिकुलर हुई, अगर इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर है ए के परपेंडिकुलर हुई तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये पक्का है, और इसी को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में जानेंगे, अभी फिलहाल के लिए जस्ट मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया है, ऐसे मेरा मोटिव ये बताना नहीं था, मेरा मोटिव क्या था मैं बताता हूं, मेरा मोटिव था कि ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखने की टेंडेंसी हमारी ज्यादा होती है, लेकिन ध्यान से देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, बताओ इसमें क्या दिक्कत है, जिन्हें इसमें दिक्कत आ रही है ना वो इसे ऐसे समझे, मान लो ये दिया हुआ है तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, ए क्रॉस बी डॉट सी, बता तो रखा है हर तरीके से लिख सकते हो भाई, हर तरीके से लिख सकते हो, सही है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख लिया, क्या अन्याय कर दिया मैंने, बिल्कुल सही है, ये तो बताया तुम्हें ए डॉट
एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी में जनरली हमारी टेंडेंसी होती है ए डॉट बी क्रॉस सी लिखने की, जबकि मैंने बताया तो साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ सेम आएगा, तो एबीसी ऐसे भी लिख सकते हो, सी क्रॉस ए डॉट बी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने यही कहा, यही चीज की है, यहां पे सी कौन है, ए क्रॉस बी, तो सी की जगह कौन है, ए क्रॉस बी, और यहां पे ए एंड बी इनका क्रॉस, और बेटा ये किसके इक्वल आएगा, सेम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसके इक्वल आता है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो ये जो मॉड्यूल ये लिखा था ना बॉक्स, ये इसके इक्वल है एक्चुअल में, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान दें इसे, चीजों को कैसे देख सकते हैं, देखने के तरीके समझा रहा हूं तुम्हें, कि एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठना कि ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसमें फंसो, इससे बढ़िया ऐसे करो ना यार, ये देखो कितना ईजी हो गया, वहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग रहा था, यहाँ पे एकदम से हो गया काम। ओके, द नेक्स्ट वन इज, ये तो इसके जैसे ही दिख रहा होगा तुम्हें, अगर तुम इसे डिटर्मिनेंट से करना चाहते हो डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो, क्या डिटर्मिनेंट लगाओगे, फर्स्ट रो क्या होगी, वन माइनस वन और जीरो, सेकेंड रो क्या होगी, जीरो वन और माइनस वन, थर्ड रो क्या होगी, माइनस वन जीरो एंड वन, ठीक है, ऐसे कुछ होगी थर्ड रो, जब उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे यू विल गेट जीरो, क्योंकि इसका आंसर आता है जीरो। ऐसा क्यों, इसे मैं दूसरे तरीके से तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझे, अगर मैं बात करूं ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी भी एक वेक्टर है, ए माइनस बी दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन ए माइनस बी अगर बात करूं तो वो सिंगल वेक्टर है, जैसे मैं कहूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, भाई वो एक वेक्टर है जो उन दोनों वेक्टर से रिजल्टेंट है, सही है ना, तो ये भी एक वेक्टर है जो ए एंड माइनस बी जो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट है, तो ये एक सिंगल वेक्टर है, ये एक सिंगल वेक्टर है, और ये एक सिंगल वेक्टर है, और कमाल की बात क्या है कि इन तीनों का सम जीरो है, तो मान लेते हैं, ये जो वेक्टर है इसका नाम है अल्फा, ये जो है इसका नाम है बीटा वेक्टर, और ये जो है इसका नाम है गामा वेक्टर, एंड यू विल यू कैन सी अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देख लो, ऐड करके देख रहा हूं मैं, ऐड करके देखो, इन्हें जीरो आ रहे हैं, ए से ए जा रहा है, बी से बी, सी से सी, अब अगर तीन वेक्टर्स का सम जीरो है, वहां से क्या पता चलता है कि वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है कि नहीं, अगर तीनों वेक्टर का सम जीरो आ रहा है तो समझ जाओ वो वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर, और अगर वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका बॉक्स क्या होगा बेटा, जीरो, बॉक्स जीरो होगा कि नहीं, तो बिल्कुल, ऐड करते ही मुझे पता चल गया यार इनका सम तो जीरो आ रहा है, सम जीरो आते ही एकदम से मैंने कह दिया कि भाई ये तीनों वेक्टर तो कोप्लेनर वेक्टर है, और कोप्लेनर वेक्टर्स का जो बॉक्स होता है वो जीरो होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर जीरो हो गया। नेक्स्ट, इसे भी डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, एंड अगर डिटर्मिनेंट से नहीं करना है तो कैसे करें, डिटर्मिनेंट से अगर नहीं करना है तो कैसे करें, तो देखो इन्हें भी ऐड करके देख लो एक बार भाई, जब ऐड करके जीरो आए तभी करना ये काम, ऐसे मत कर देना, ऐड करके जीरो आने चाहिए तब बोल सकते हो आप, देखो यहां पे 2a है पॉजिटिव में और कितने नेगेटिव में है, ये दो, तो कट हो जाएगा, ठीक है, माइनस सी प्लस सी कट हो जाएगा, 3b माइनस 3b ये भी कट हो जाएगा, तो तीनों का सम जीरो आ रहा है, देख सकते हैं, इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, एक तो 2a माइनस सी वेक्टर, एक 3b माइनस a वेक्टर, और एक c माइनस 3b माइनस a वेक्टर, ठीक है, ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, और इनका भी बॉक्स जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो फाइनली द आंसर इज, आंसर ऑफ दिस शुड बी जीरो एंड दिस ऑल्सो शुड बी जीरो। ऑलराइट बच्चों, तो ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या है, ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड पी क्यू आर गिवन है, देन फाइंड बॉक्स ऑफ पी क्यू आर बच्चों। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज रिकॉल करा दूं, के बी सी, ठीक है,
तो यू नो वेरी वेल के को बाहर लिया जा सकता है। के कौन है? स्केलर, मतलब एक कोई नंबर है, 2, 3, 4 लाइक, ठीक है। सिमिलरली अगर लैम्डा 1 ए, लैम्डा 2 बी, लैम्डा 3 सी वेक्टर है, तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 को बाहर ले सकते हैं। कौन है? स्केलर है, ये भी नंबर्स हैं, वेक्टर ए बी सी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर याद था तो अच्छा है, नहीं है तो फिर यही लिख लो दोबारा इसे भी, तो ये ध्यान रखें। तो स्केलर नंबर को हम बाहर ले सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जो पी क्यू आर बोला गया है, अब मैं इसको यहां पे रखूंगा, पी क्यू आर को इस बॉक्स के अंदर, ये बात समझ आ रही होगी। अब यहां पे वेक्टर कौन है? वेक्टर है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, बॉक्स ऑफ एबीसी है ये भी बॉक्स ऑफ एबीसी, ये भी बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी होता क्या है? स्केलर, स्केलर एक कोई नंबर होता है, जे 2, 3, 4 लाइक, सही बात है, वेक्टर थोड़ा ही होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। तो मैंने कहा बॉक्स ऑफ एबीसी को बाहर ले लो, तो बॉक्स ऑफ एबीसी की क्यूब आएगी बाहर, क्योंकि फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, सही बात है। तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सेम है, तो लैम्डा क्यूब हो जाएगी कि नहीं? तो सिमिलरली ये, और यहां पे क्या आ गया अंदर? बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, एंड बेटा ए क्रॉस बी, ऑल राइट। और ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ये खुद बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बताया था, ठीक है। ये चीज, ये जो होता है, ये क्या? बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर के, दैट इज, दैट मींस इट इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ एबीसी, 1/ बॉक्स ऑफ एबीसी इसका आंसर है। ओके बच्चों, तो ये था। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो हमने पढ़ा था वो तो ये था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, एंड सी क्रॉस ए। अच्छा, ये जो मेथड है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे मान लो तुम अल्फा, इसे मान लो बीटा, और इसे मान लो गामा, ठीक है। अब एक साइक्लिक ऑर्डर बन गया है अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा गामा, ठीक है बेटा, अल्फा बीटा गामा साइक्लिक ऑर्डर में है अभी। अब मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, बीटा गामा अल्फा, या लिख दूं गामा अल्फा बीटा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है। देख लो भाई, अल्फा बीटा गामा, या बीटा गामा अल्फा, या गामा अल्फा बीटा, ऑल आर सेम। दिक्कत कब आएगी? जब मैं लिख दूं गामा बीटा अल्फा, ये नहीं है, ये अपोजिट है। इसे साइक्लिक ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, माइनस ऑफ गामा अल्फा बीटा, या अल्फा बीटा गामा, ऑल आर सेम, ठीक है। तो ठीक है, अब ये तो था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये क्या है? बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, देखो साइक्लिक ऑर्डर में है, वो अल्फा बीटा गामा है, तो ये कौन है? बीटा गामा अल्फा, ये भी साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसका मतलब हाँ ये इसी के इक्वल होगा। अगर साइक्लिक ऑर्डर इसमें फॉलो ना होता तो ये माइनस ऑफ ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर की फील समझिए, अभी तक हमने ए बी सी में साइक्लिक ऑर्डर देखा था। अब भाई यहां पे ये वेक्टर एक वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसका साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कुछ डिफाइन डिफाइन कुछ नहीं होता, जस्ट ये तो कंपैरिजन है कि भाई मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, और इसमें इसे मैंने अल्फा बीटा गामा माना, तो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा चलेगा, ऑल आर सेम। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो फिर माइनस लगा के आप उसको सेम बना सकते हो, ठीक है बच्चों। इस बातों का थोड़ा सा ध्यान में रखें, ओके। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, इसका आंसर आ जाएगा बॉक्स ऑफ एबीसी। अगर यहां पे ये चीज इधर होती, ये चीज इधर होती, तो मैं फिर देखता कि यार साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके इसमें आंसर आता माइनस ऑफ 1/ बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। तो चीजों में अंतर आ सकता है, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। देन कॉपी इट फास्ट।
तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं बॉक्स सॉरी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन आप जानती हैं क्या शेप है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये उस साइड में है जो कि हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, ये इधर है ऐसा कुछ मैंने माना है। ठीक, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है जिसका बेस ट्रायंगुलर बेस, ठीक है ना, ट्रायंगुलर बेस टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि टेट्राहेड्रॉन का बेस जो है वो ट्रायंगुलर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो अच्छा इसे टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं और इसको नहीं, ठीक है यहीं तक रखते हैं। ठीक, टेट्राहेड्रॉन है, ओके। वैसे पिरामिड भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो पिरामिड भी बोलते हैं इसे। तो अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं जो इसकी ये है ए, ये बी और ये सी, को इनिशियल वेक्टर्स कह देते हैं। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या है, ए बी सी, और अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है या पिरामिड क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूं, ये याद रखें फॉर्मूला। वॉल्यूम इज, वैसे याद होना चाहिए, एओडी में पढ़ा है, 1/3 बेस इनटू हाइट। और अब हम वहां पे तो हमने जस्ट डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था और निकल जाती हैं चीजें। अब यहां पे वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेक्टर्स अगर दिए जाएं तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस पे वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो तुम अपने आप सोचो, वो 1/3 बेस इनटू हाइट, बेस का मतलब क्या है, एरिया, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेटा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ए क्रॉस बी होगा कि नहीं, 1/2 सॉरी 1/2 ए क्रॉस बी। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, एरिया ऑफ बेस विल बी 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक, एरिया ये हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी, ऑल राइट। चलिए अब हाइट कितनी होगी भाई, ये स्लांट हाइट तो हमें पता है, ये सी है, ये तो ऐसे जा रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये बेस है, ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाल दो बेस पे, ये है इसकी हाइट एच। ठीक है, इसे मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मुझे सी का एंगल मिल जाए किसके साथ, इसके साथ, लेट से इट इज बीटा, मान लेते हैं ये है बीटा, क्या सी जो है साइड उसका एंगल है किसके साथ, ये परपेंडिकुलर के साथ, ये बीटा है, तो मैंने कहा तब जाके हाइट क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ सी इंटू कॉस बीटा, हो जाएगी क्या, नहीं, मॉड्यूलस ऑफ सी इंटू कॉस बीटा। अच्छा बीटा क्या है, बीटा क्या है, ध्यान से देखना, बीटा इज एंगल बिटवीन, देखो ध्यान से, एंगल बिटवीन सी एंड दिस परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या है, ए क्रॉस बी बोल सकता हूं कि नहीं भाई, ये जो है ये इस बेस के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी भी तो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है हाइट वाला, ये कौन है, ये ए क्रॉस बी तो है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी की तो है इसकी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एंगल बिटवीन, बीटा इज एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी, बताओ इसमें क्या गलती है, सी ये और ये ए क्रॉस बी, जितना एंगल ए क्रॉस बी के साथ बनाएगा सी, उतना ही एंगल इसके साथ बनाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए क्रॉस बी और ये हाइट एच। ठीक है बेटा, ओके, चलिए यहां तक भी बात समझ आ गई हमें। अब मैंने इसको यहां पे रख दिया, 1/3 एरिया ऑफ बेस मतलब ये इनटू मॉड्यूलस ऑफ सी कॉस बीटा, एंड कॉस बीटा में बीटा कौन है, एंगल, एंगल विद सी, एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी। और ये क्या होगा, अगर इसे मैं ओपन करूं तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो तुम्हें इसे देख के ही पता चल रहा होगा
कि इट इज नथिंग बट 1 बाई सिक्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 1 बाई सिक्स ऑफ, ये चीज तो वही है कि नहीं, तो बॉक्स ऑफ एबीसी, 1 बाई सिक्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज नथिंग बट 1 बाई सिक्स बॉक्स ऑफ एबीसी, याद रखिएगा, ठीक है, 1 बाई सिक्स बॉक्स ऑफ एबीसी। आंसर, आंसर क्या मतलब, फॉर्मूला है, ड्राइव कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड, ओके, जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस इज विद रेफरेंस टू द फोर्थ वर्टेक्स एज ओरिजिन, जो इसका फोर्थ वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है, तो चलो फिर से पिक्चर बना लेते हैं इसकी, ओके, मान लो ये है कोई टेट्राहेड्रॉन अपना, ठीक, अब इसमें क्या है भाई, ध्यान से देखो, जो तीन वर्टिसेस हैं वो दिए गए हैं, मान लो ये है माइनस वन वन वन, ये वाला, ये कौन सा मान लेते हैं, ये है वन माइनस वन वन, एंड ये बेटा वन वन माइनस वन, ये तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, एंड द फोर्थ वन इज ओरिजिन, इसे ओरिजिन वाला मान लो जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर्स, तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हमें मिल चुके हैं, कौन कौन से भाई, एक तो ये वाला, एक नीचे ये वाला और एक ये वाले, तीनों मिल गए या नहीं, तो 1 बाई सिक्स ऑफ बॉक्स ऑफ तीनों का, ठीक है, तो मान लो कौन कौन से वेक्टर आएंगे, चलो इनका नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, तो ओ ए कितना होगा, ओ ए, ओ ए होगा दिस माइनस दिस, दैट इज माइनस आई प्लस जे प्लस के, ऑब्वियसली ओरिजिन है तो ये खुद तीनों वेक्टर्स बन जाएंगे, ओ बी कितना होगा, बी वाला ये माइनस नहीं प्लस आई माइनस जे प्लस के, ठीक है, ओ सी कितना होगा भाई, आई प्लस जे माइनस के, ये आ गए ओ ए बी, तो मैंने कहा 1 बाई सिक्स ऑफ माइनस आई प्लस जे प्लस के आई माइनस जे प्लस के एंड आई प्लस जे माइनस के वेक्टर, ठीक है बेटा, इनका अब इन्हें कैसे करना है, या तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर लो, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, अब इसमें कुछ वो मत कर लेना कि भाई ये डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन एंड बॉक्स ऑफ फिर आई जे के लिखना पड़ेगा आपको, सही बात है, बॉक्स ऑफ आई जे के, और जब बॉक्स ऑफ आई जे के निकालोगे तो ऑब्वियसली वो वन आएगा निकल के, क्या होगा आई डॉट जे क्रॉस के, वो किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ऑफ आई मॉड्यूलस ऑफ जे मॉड्यूलस ऑफ के साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा कितना, अल्फा कितना होगा भाई, एंगल बिटवीन जे एंड के या नहीं, तो वो कितना है 90, जे और के बीच का एंगल तो 90 है, तो साइन 91 होता है, ठीक है, और जे क्रॉस के विल बी इन डायरेक्शन ऑफ आई, तो जे क्रॉस के और आई की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, तो कॉस जीरो वो भी वन होता है, और ये सब यूनिट वेक्टर हैं, तो बॉक्स ऑफ आई जे के जो होगा वो वन ही होगा, तो इस केस में आपको ऐसे लिखने की कुछ खास रिक्वायरमेंट है नहीं, इसका बॉक्स आप हटा सकते हैं, और अगर चाहें तो ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम पहले वालों में किया था, आई जे के की जगह ए बी सी हुआ करते थे, ठीक, तो अब जस्ट इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ऑल राइट बच्चों, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत इजी है, ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचेंगे, कुछ लोग इस टेंशन में आएंगे कि यार जो फॉर्मूला प्रूव किया था वो तो इसके लिए था, बॉक्स ऑफ दिस, यहाँ पे ए बी और ए सी, भाई इसे ओरिजिन ले लो फिर, इसे ले लो ओरिजिन, बाकी वो पॉइंट रख लो, तो वो तो मर्जी है आपकी, कोई भी थ्री को इनिशियल वैक्टर्स चाहिए मुझे, मतलब जो एक ही पॉइंट से जा रहे हो, को इनिशियल का मतलब जो एक सिंगल पॉइंट से जा रहे हो, तो कोई भी तीन को इनिशियल वेक्टर्स मिल जाए सीधा 1 बाई सिक्स बॉक्स ऑफ दैट को इनिशियल वेक्टर्स, ऑल राइट बच्चों, ठीक है, तो ऐसे बहुत इजी सी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखें, कॉपी कीजिए।